वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होना है उसमें सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस होने हैं प्री एग्ज़ाम में। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स इन 10 क्वेश्चंस को 3 मिनट्स में सॉल्व करें। व्हाट शुड बी द रियल अप्रोच, आइए देखते हैं। मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं। सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ये क्या है, एग्जाम में कैसे रिएक्ट करना है। बात भी करूंगा कि आखिर हुआ कैसे। यहां तक फर्स्ट क्वेश्चन का सवाल है, बोलेंगे 45% ऑफ 400, नो 400% ऑफ 45, 4 टाइम्स 90 का डबल 180, इसे बोलेंगे 180 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 56% ऑफ 750, इसे बोलेंगे 14% ऑफ 3000, 140% ऑफ 300, 140 का ट्रिपल, 140 का ट्रिपल, बताऊंगा कैसे, यानी 420, 40% ऑफ 350, 20% ऑफ 700, 140, ये 3 140 थे, 1 140 उड़ गया तो कितना बचा, 2 140 बचा, यानी 280 बचा। क्या हम इसे उड़ा न दें, क्या इसका मतलब 100 का स्क्वायर ना होगा, क्या ये 10,000 ना होगा, बताता हूं कैसे कैसे। सबसे पहले देखिए 45% ऑफ 400 को हम 400% ऑफ 45 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ 45 क्यों ना कहेंगे, यानी कि 90 का डबल 180 क्यों ना कहेंगे। 56% है ऑफ 750, अगर हम यहां से 4 लेके इसे दे दें तो ये 14% ऑफ 3000 ना हो जाए, 300% ऑफ 140 ना हो जाए, 3 × 140 ना हो जाए। बोली, और ये सारा काम मन में होता है वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया। 40% ऑफ 350, 40% ऑफ 350, नो 20% ऑफ 700, यानी 140 ना हो जाए, ये किया गया था। क्लियर है, आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 4 है ना, बताता हूं, डिवाइडेड बाय 11 बाय 2, 2 बाय 11, 8, और 11 जब बोलते हैं तो ये 16 होता है, यानी एक बार में हमें ये दिखता है कि ये 8 × 16 प्लस 64 × what is equal to 256। ये भी कैसे हुआ मैं दिखाता हूं, लेकिन एग्जाम में यही रिएक्शन आपका होना चाहिए। इसके बाद आप इसको सॉल्व करते हैं, उधर ले जाते हैं, 64 से डिवाइड करते हैं, वाई, अरे सबसे अच्छा तो हमें ये दिखता है कि ये 128 है, 64 कॉमन लेके काट क्यों न दे, 64 का डबल 128 का डबल 256, 4 टाइम्स ना हो जाए, और ये 4 − 2, 2 ना हो जाए, बी आंसर ना हो जाए। जल्दी बोलिए, ये अप्रोच होना चाहिए एग्जाम में सॉल्व करने का। क्या सब हम लोग किए हैं,
सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाय 11 बाय 2 था इनटू 176 था, इसको हमने 4 इनटू 2 बाय 11 लिया और ये हम जानते हैं कि ये 16 है। उसके बाद कॉमन लेते हैं ना, कॉमन को समझाने की जरूरत नहीं है, 64 कॉमन लिया उड़ा दिया, क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 टू द पावर क्वेश्चन मार्क है और ये 4096 है इंटू 16 क्यूब है डिवाइड बाय 16 है 64 है, इसमें रियल टेस्ट होता है। टूज पावर, फोर पावर, 16 पावर, इशारा ये करता है टू टू द पावर व्हाट, फोर टू द पावर व्हाट, सबको हम 4 बना सकते हैं, बना सकते हैं लेकिन पसंद नहीं, 4 बनाना पसंद नहीं आ रहा। एक तो तरीका बना सकते हैं, दूसरा नहीं भी बना सकते हैं, इतना 16 नजर आ रहा है इसमें क्या है, चलिए 4 ही बना देते हैं, इसमें क्या है, ये लगता है कि 16 का क्यूब है, चेक कर लेते हैं। 16 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, 16 से 2 टाइम्स 32 बोले ना, 5 टाइम्स 80 बोले ना, 6 टाइम्स यस, और ये 16 का स्क्वायर है यानी 16 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, 16 का क्यूब है, 16 4 स्क्वायर होता है तो 4 टू द पावर 6 है कि नहीं, यानी 4 टू द पावर 6 है कि नहीं। 16 के क्यूब को क्या लिखेंगे, 4 स्क्वायर बोल के ऐसे, यानी कि 4 टू द पावर 6 ना लिखेंगे, और फिर ये 4 स्क्वायर अगेन 6, जल्दी बोलिए, यानी कि अगेन 4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय को क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, 4 स्क्वायर बोलते हैं, इक्वल टू 4 टू द पावर व्हाट, और 64 क्या होता है, 4 क्यूब। आप मुझे बताइए, कुल मिला के 12 है और कुल मिला के 5 है, हटा दे तो 7 ना बचे, कैंसल ना हो जाए, 5 कैंसल ना हो जाए, तो 4 टू द पावर व्हाट होगा, तो 4 का पावर 7 होगा कि नहीं, टोटल 5 है टोटल 12 है, लेस हुआ कटा, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 7 आंसर, यानी से द आंसर है। बोलिए समझ में आ रहा है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए, लिखा हुआ तो है ठीक है पर हमें थोड़ा अलग ढंग से समझना है, ऑफ व्हाट डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 176। सोचते हैं थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए तो फिर मजा आए, ये क्या है, ये वाला क्या है, 11 इंटू 16 है ना, तो हो गया ये 11 इंटू अगर 16 है तो 16 से 4 टाइम्स क्यों ना काट दें, और ये डिवाइडेड बाय 14 है तो हम इसे क्यों ना लिखते हैं, 2% ऑफ व्हाट इज इक्वल टू 77 क्यों ना लिखें, 2% ऑफ What is equal to 7 इधर है ना, उधर गया 77 क्यों ना लिखें, अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं तो into 100 38.5 3850 आंसर क्यों ना बोलें, जल्दी बोलिए, 2 से यदि कैंसिल कर दें तो into 100 हो करके 3850 क्यों ना हो जाए, 3850 क्यों ना हो जाए, बोलिए समझ रहे स्टेप्स, थोड़ा बहुत आप अपने मुताबिक इधर उधर कर सकते हैं, मैं बेस्ट वे दिखा रहा हूं कि
अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ क्या है, 264 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 11 स्क्वायर, ओके 11 स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हमें एक बात साफ दिखाई दे रहा है, पहले इसको सॉल्व करना है। ये 24 से तो कट गया 11 टाइम्स, यानी ये 24 होता है ना, 24 इससे ऐसे ऐसे ऐसे। अब आप देखिए ये 11 स्क्वायर है, 11 है, निकाल के जोड़ दें, या 11 टू 11 एक और आया, 12 टू 11 132 क्यों ना बोल दें, 144 क्यों ना बोल दें, प्लस माइनस 12 क्यों ना बोल दें, प्लस माइनस 12 है बी अलर्ट, नन ऑफ दीज इज द आंसर, प्लस 12 नहीं होगा, 12 स्क्वायर भी 144 होगा और माइनस 12 का स्क्वायर भी 144 होगा, बी अलर्ट। हमने इसको लिखा ऐसे, 11 ठो आम एक और आम मिला दिया, 12 ठो आम 132 132। अगर ऐसे नहीं करते तो ठीक है, 11 है प्लस 121 है प्लस 12 है इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर है, ये देखिए 132 144। ये याद रहे, यहाँ पर अलर्ट रहिए, सब सॉल्व करके भी गलत हो जाएगा, ये प्लस माइनस 144 यानी प्लस माइनस 12 होगा, 12 नहीं होगा, ई नंबर नन ऑफ दीज आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 × 8 माइनस 13 × 5 प्लस 67 इज इक्वल टू व्हाट इनटू 6। ये है सबसे पहली बात है कि हमें दिखाई देता है 65 है, यानी ये 65 है, तो इस पूरे को हम प्लस 2 क्यों ना बोल दें। 20 × 8 कितना होता है, 160 और 24 184 प्लस 2 186, हो अग्री 184 बोले तो 186 इज इक्वल टू व्हाट इनटू 6, 6 से तो एक आंसर, यानी इज इक्वल टू 31 आंसर। बोलिए होगा ना, बी द आंसर। ठीक है, ये माइनस 65 है प्लस 67। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट सेवेंथ नंबर क्या है, डिवाइडेड बाय हाफ मतलब इनटू टू, डिवाइडेड बाय हाफ मतलब इनटू टू, 125 का डबल का डबल 500, किसका 80% है, तो जिसका 80% को 500 कहते हैं उसके 20% को 125 करके ऐड कर देंगे तो 625 क्यों ना कहें, कुछ करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन ये याद रहे, इसका आंसर क्या होगा, 625 आंसर। जल्दी बोलिए होगा कि नहीं, 625 आंसर होगा कि नहीं, इज आंसर, नन ऑफ दीज। करके दिखाता हूं, देखिए सेवेंथ नंबर, 125 डिवाइडेड बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 है ना, इज इक्वल टू 80% ऑफ व्हाट। अरे इसका मतलब होता है 125 × 2 × 2 इज इक्वल टू 80% ऑफ व्हाट। हम लोग बोलते हैं 500,
80% को यदि 500 कहें तो 20% को 1/4 क्यों न कहेंगे, तो 100% उस नंबर को 625 क्यों न कहेंगे? Is answer none of these. जल्दी बोलिए, ठीक है? Next. 8th नंबर क्वेश्चन देखिए. 8th नंबर जो क्वेश्चन है बनाने के तरीके से लिखते हैं. ये तो 4.5 है, ओके? ये 1 × 9/26 लिखेंगे कि नहीं? 1 × लिखने की क्या जरूरत है? 9/26 जल्दी बोलिए. -3 × 1/30 जानते हैं इसको कैसे लेंगे? एग्जाम का अप्रोच बताता हूं. 3, 4 में लेस हुआ 1, 2/26, 7/26, 26, 14, 40/52, 40/52, 10/13, 1 × 10/13 is answer. लेकिन सबका सब कोई मिक्स्ड नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन है, तो 23/13 is answer. 23/13 is answer. बताता हूं हुआ कैसे. हमने उसको 4 − 3 लिया जो कि 1 हो गया, और उसके बाद प्लस हाफ को रहने दिया बाद में, और ये 9/26 है ना, इसको हमने ऐसे लिया, ऐसे 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 माइनस है ना, ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 7/26. और हम लोग जानते हैं इधर 26 इधर ऐसे करके लिया, 2 एलसीएम भी लिया, 2 × 26, सो दैट की 26 + 14, 40/52, यानी 1 + 10/13, यही वैल्यू ऐसे हुआ, यही आंसर. बोलिए कैसा लगा? सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चंस को आप 3 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, अगर आपका अप्रोच सही हो जाए तो. लगातार आरबीआई असिस्टेंट के लिए मैं आपको गाइड करता रहूंगा. मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छा ये एग्जाम है, इसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा. ऑल द बेस्ट.